नफ़रतों को ताले में बंद करते हैं और मोहब्बत में कैद करते हैं इंसानों को, और उसको ताला लगाते हैं और फिर चाबी को यहाँ से नीचे फेंक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो कारी, मेरे अज़ीज़ो मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से मौजूद हूँ यूरोप में। अब मैं ये भी बताया तो मैं इटली में हूँ। अब मैं इटली में कहाँ हूँ ये एक ज़रा सा सस्पेंस है, मैं कहाँ हूँ। मैं उस शहर में हूँ जिसके नाम से लाहौर में एक सिनेमा हुआ करता था और अब वो ढा दिया गया, वहाँ फिल्में देखने जाया करते थे। अब्बई दे नाल साइकिल ते लगने सा ते बड़ा वड्डा जिहा लाल रंग दा लिखिया हुंदा सी। चलें इसको भी छोड़ देते हैं। दुनिया में जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा ये शहर भी है, या हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम 8वां अजूबा कह देते हैं, 7 अजूबों के बाद एक 8वां अजूबा। जी हाँ, अब शायद आप पहचाने इटली 8वां अजूबा नहीं। चले इस बिल्डिंग से पहचाने, अंदाज़ा हुआ कि मैं कहाँ हूँ? मेरा ख्याल नहीं पहचाने आप। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बड़ा ही अनोखा शहर आपको दिखाने जा रहा हूँ। इटली का ये शहर है, दुनिया का 8वां अजूबा आप इसको कह लें, ये है, अनोखा है। और वैसे तो जो पानी का घर है वो इंसान की गमगीन इंसान की आंख होती है, लेकिन मैं आपको लेकर आया हूँ सिटी ऑफ वाटर में, वेनिस। ये देखिए कितना खूबसूरत शहर है, इसके अंदर शिप्स चल रही हैं, इसके अंदर किश्तियाँ चल रही हैं, बोट चल रही हैं, फेरी चल रही है, और तहत निगाह दूर तक खूबसूरत ग्रीन रंग का पानी है। थोड़ा सा अगर हम आगे आके दिखाइएगा इनको, ये देखिए शिप्स आ रहे हैं और किश्तियाँ चल रही हैं, और ये शहर अपनी नौइयत का शहर है। जी हाँ दोस्तों, इस शहर की सबसे अनोखी बात ये पानी के ऊपर आबाद है। और इस शहर को देख के वो गाना बड़ा याद आता है कि दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। जा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये ताले लगे हुए हैं, ये इसके ग्रिल के साथ ये ताले हैं, ये देखिए ये दिल बना हुआ है, ये ताले लगे हुए हैं। और अगर थोड़ा सा हम आगे आएँ तो ये देखें, ये भी ताले हैं, ये देखिए इससे आगे आएँ तो यहाँ भी ताले लगाए गए हैं, यहाँ पर एक दिल भी है। तो दोस्तों करते ये हैं, मोहब्बत करने वाले वो कहते हैं आओ नफ़रतों को ताले में बंद करते हैं और मोहब्बत में कैद करते हैं इंसानों को, और उसको ताला लगाते हैं और फिर चाबी को यहाँ से नीचे फेंक देते हैं। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ये करूँ कि मैं पाकिस्तानियों की तरफ से एक ताला लूँ और उसके अंदर नफ़रतों को कैद करके ताला लगाऊँ और चाबी यहाँ फेंक दूँ, शायद मैं ये आपके लिए करूँ। आएँ मैं आपको इस तरफ से भी दिखाता हूँ, देखें बड़ा खूबसूरत मॉन्यूमेंट है पीछे, और जब इस तरफ देखें तो वही सूरत हाल है, किश्तियाँ चल रही हैं। ये वो है जी, वो जो ला 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 ला, बड़ी खूबसूरत किश्तियाँ जी। अब इसको कहते क्या हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, आए मैं आपको दिखाता हूँ पानी का अजूबा शहर वेनिस। मैं रोमियो जूलियट के शहर वेरोना से ट्रेन के जरिए वेनिस पहुंचा था, और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला तो एक हैरत अंगेज मंजर ने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मैं एक ऐसी दुनिया देख रहा था जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। जी हाँ, दुनिया का वाहिद शहर जो कार फ्री शहर है। जी हाँ, यहाँ पर कारें नहीं चलती क्योंकि यहाँ की सड़कें बजरी और तार कोल कंक्रीट की नहीं बल्कि पानी की हैं। आप हैरान होंगे मगर ये सच है कि वेनिस अतालिया यानी इटली का वो शहर है जो पानी पर आबाद है। हज़ारों साल पुराना ये शहर बड़ा पुरसरार है। यहाँ पर पहले इमारतें मौजूद थीं, बाद में पानी लाया गया, या पहले पानी मौजूद था और बहते पानियों में इमारतें बनाई गईं, इस बारे में कुछ वसूक से नहीं कहा जा सकता। इस शहर को पानी की वजह से 420 पुलों से जोड़ा गया है, और ट्रेन की पटरी बिछ जाने के बाद
یہاں پر آمد رفت آسان ہو گئی۔ دوستو، تاریخی دستاویزات موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس شہر بے مثال کی ابتدا پر آج تک تحقیق جاری ہے۔ دنیا میں پہلے مرغی آئی یا انڈا، اسی طرح وینس کے بارے میں بحث ہے کہ پہلے پانی آیا یا پہلے عمارتیں بنائی گئیں، مگر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس شہر کی آبادکاری رومی سلطنت سے بے دخل کیے جانے والے خاندانوں نے کی تھی۔ ہزاروں سال پہلے اس شہر سے تحریری موسیقی کی ابتدا ہوئی۔ دنیا بھر سے آج بھی موسیقی سیکھنے کے دلدادہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو 118 جزیروں پر مشتمل ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ آپ اس شہر کو کشتی والے کی مدد کے بغیر نہیں گھوم سکتے، کیونکہ 170 نہریں شہر کو جوڑتی ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات، دنیا کا پہلا کسینو بھی اسی شہر میں کھولا گیا تھا۔ دوستو، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، مہم جو، سفارتکار، مصنف اور سیاح مارکو پولو کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے، جو 15 ستمبر 1254 کو یہاں پیدا ہوا۔ اس دور میں چین پر چنگیز خان کے پوتے کبلائی خان کی حکومت تھی۔ مارکو پولو جب چین گیا تو کبلائی خان نے اسے اپنے خاص لوگوں میں بھرتی کر لیا جو سفارتکاری کا کام سر انجام دیتے تھے۔ مارکو پولو نے 17 سال یہ ملازمت کی اور پھر واپس وینس آ گیا۔ پھر 8 جنوری 1324 کو 70 سال کی عمر میں اس کی موت اسی شہر میں ہوئی۔ دوستوں، میں اس وقت موجود ہوں وینس میں۔ وینس دا سٹی آف واٹر، دنیا کا ایک عجوبہ شہر، سارا کا سارا پانی پر آباد ہے۔ یہ دیکھیں، میں یہاں پر آیا ہوں اور کشتیاں چل رہی ہیں، اور وہ دیکھیں پیچھے ایک برج بھی ہے، میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوستو، وینس ایک ٹورسٹ سٹی ہے۔ ہر سال یہاں پر 1,50,00,000 سے زیادہ سیاح آتے ہیں، اس لیے بہت مہنگا شہر ہے۔ آئے میں آپ کو یہاں کی لوکل بس یعنی کشتی کی سیر کرواتا ہوں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ جب ہم پانی کی بسوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ پانی کی سطح پر تیرتی ہے تو منظر کیسا دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے یہاں سے ٹکٹس لی ہیں اور اب ہم سوار ہو گئے ہیں یہاں کی لوکل ٹرانسپورٹ یعنی لوکل بس پہ، جو پانی پر چلتی ہے۔ پانی پر چلتی ہوئی بس سے کچھ منظر یوں نظر آتا ہے، ٹریفک نہایت جاذب معلوم ہوتی ہے، لوگ یہاں بہت انجوائے کرتے ہیں۔ درجنوں کی تعداد میں آپ کے دائیں بائیں سے گزرتی کشتیاں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، عمارتیں نہایت خوبصورت نظر آتی ہیں، پانی کو چیرتی ہوئی یہ بسیں آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کو نظر آنے والے ان مناظر پر اعتبار نہیں آتا، ایک الگ سی دنیا ہے، ایک الگ سا نظارہ، ہر طرف پانی ہی پانی۔ یہاں پر آنے والے سیاح کافی دیر تک ان مناظر میں کچھ ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خبر تک نہیں رہتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میں بہت دیر تک اپنے میزبان کو بھول گیا تھا اور پانی کے ان مناظر میں کھو گیا تھا۔ سما ہے سہانا سہانا، نشے میں جہاں ہے، کسی کو کسی کی خبر ہی کہاں ہے، ہر سمت دیکھو پانی یہاں ہے۔ رو 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 رو۔ دوستو، بڑا خوبصورت منظر، بڑا خوبصورت نظارہ، پانی کا شہر وینس۔ اور یہ دیکھیں سامنے گلی، گلی کے اندر بھی پانی سارا، اور یہ پانی پر آباد شہر ہے۔ میں نے پہلی بار ایسا شہر دیکھا ہے زندگی میں، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا پیارا شہر جو پانی پہ آباد ہے۔ بڑی تاریخ ہے اس کی، بڑا پرانا شہر ہے، اور اس پانی کے شہر کو دیکھنے ہر سال 1.5 کروڑ سے زیادہ سیاح آتے ہیں، اور یہاں پر آنے کا بہترین موسم مئی، جون، جولائی، اگست اور ستمبر کا بھی موسم ہے جہاں پہ آ سکتے ہیں، اور بڑا ہی حسین منظر ہے۔ دوستو، وینس میں موجود ہوں، اٹلی کا یہ شہر ہے، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، پانی ہی پانی ہے، سمندر سے یہ پانی یہاں پر آتا ہے۔ اب اس کو میرے خیال ہے نہر کہہ سکتے ہیں، بڑی کشادہ نہر ہے، اس
जिसके अंदर छोटे छोटे जहाज और कश्तियाँ चलती हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ये पूरा का पूरा शहर जो है इसकी गलियाँ सारी की सारी पानी से अटी हुई हैं। पानी उनके अंदर बहता है, सब ने अपनी अपनी कश्तियाँ रखी हुई हैं। ये सामने से एक कश्ती आ रही है, ये एम्बुलेंस है जी, ये कोई एमरजेंसी हुई है। दोस्तों 421 कबले मसीह में आबाद होने वाला ये शहर वेनिस, इसकी गलियां जो हैं वो सारी की सारी पानी है उनके अंदर। इसको तामीर कैसे किया गया, यहाँ पर पानी के बावजूद ये घर गिरते क्यों नहीं, और ये प्राइवेट लोगों ने अपनी पार्किंग रखी हुई है जी, ये जो पीछे रहते हैं ये उनकी कश्तियाँ। बड़ा हैरानकुन शहर है और ना काबिल यकीन सा शहर है, एक अजूबा शहर, एक अनोखा शहर इटली का, जो पानी पर आबाद है। और मुझे तो यहाँ आकर बड़ी हैरत अंगेज कैफियत तारी हुई है, कुछ गवार एहसास हुआ है कि कितना खूबसूरत शहर और पानी पर आबाद है। ये सामने एक ब्रिज नज़र आ रहा है और ब्रिज पर बहुत सारे लोग मेरी तरह तस्वीरें और वीडियोस बना रहे हैं। सूरज क्योंकि बिल्कुल ऊपर है तो उसकी वजह से इसकी वो वाली खूबसूरती तो शूट नहीं हो सकती जो शाम में होती है, लेकिन चूंकि मुझे विरोना वापस पहुंचना है और फिर ट्रेन भी पकड़नी है, तो इसलिए इसी से काम चलाइए, खातिर जमा रखिए। इतना हसीन, इतना खूबसूरत शहर मैंने भी पहली बार देखा और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ये देखें, ये शिप हमारा पार्क होने लगा, यहाँ सवारियाँ उतरेंगी और ये एक शिप यहाँ से सवारियाँ लेकर निकल रहा है। ये देखिए, इस शिप पर जो है सैयाह सवार हैं, टूरिस्ट हैं। और ये देखिए क्या हसीन मंज़र, क्या खूबसूरत शहर, क्या नज़ारे हैं। दोस्तों ये देखें, हर रंगो नस्ल के लोग हैं, ये टूरिस्ट हैं सारे के सारे, और पूरी दुनिया भर से लोग आए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मेरी तरह के और आपकी तरह के नौजवान हैं। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आबाद किया जाने वाला ये शहर बनाने वाले कितने ज़हीन मामार थे, कैसे लोग थे, उन्होंने किस तरह से ये शहर आबाद किया पानी के ऊपर। अब ये नहीं पता कि पानी बाद में आया, शहर पहले आबाद था या पानी पहले मौजूद था उस पर यह शहर आबाद किया गया। मेरा ख्याल इसकी गलियों से और यहाँ के इलाके को देखकर मुझे ऐसे लगा कि ये पानी पहले से मौजूद था और शहर बाद में आबाद किया गया। इटली का खूबसूरत पानी का शहर वेनिस। बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान, थैंक यू।